नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको मेरे खेत दिखाऊंगा। जो पिछले साल की हमारी फसल आई थी उसको दिखाऊंगा। अभी हमारा बगीचा ये पिछले साल 11 साल का हुआ था। तो ये संतरे के पेड़ को क्या होता है कि 5 साल के बाद फल लगना शुरू हो जाते हैं। पिछले साल आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि हमारे जो संतरे हैं वो बहुत ज़्यादा फल आए थे। इसकी वजह से क्या हुआ था कि उसका जो साइज़ है वो प्रॉपर बड़ा बन नहीं पाया था, और बहुत ज़्यादा फल लगने की वजह से आप देख पा रहे होंगे कि पेड़ पे ज़्यादा वजन गिरने की वजह से जो डालियाँ हैं वो गिर गई थी, लपक गई थी। और उसी साल बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमारा बहुत ही नुकसान हो गया था। ये आप नीचे संतरे गिरे हुए देख पा रहे होंगे। तो ये जो आप देख पा रहे हो, देखिए बाम्बू की वजह से हम कैसे वो पेड़ को बांधते हैं, क्योंकि वो डालियाँ जो है वो नीचे ना गिर जाए, टूट ना जाए। क्योंकि संतरे के वजन से क्या होता है कि वो जो ब्रांच रहती है वो टूट सकती है। ये आप देख पाएंगे कैसे हमारी बहुत अच्छी फसल आई थी पिछले साल। लेकिन क्या हुआ, जब हार्वेस्टिंग के 10-11 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश और ओले गिरे थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा संतरे का माल गिर गया था। देख पाएंगे आप कैसी फसल आई थी। चलिए आपको और थोड़ा दिखाते हैं कि कैसा बगीचा है हमारा। ये आप नीचे देख पाओगे क्योंकि कितना करीब करीब 100-200 कैरेट संतरा जो है हमारा वो गिर गया था नीचे, क्योंकि ओले गिरे थे। इसकी वजह से क्या है ना कि हमको 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था वो पिछले साल। ये आप देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा संतरे गिरे थे। और ये देखिए ब्रांचेस कैसे नीचे लपक गए। ये अगर ये पेड़ को देखेंगे आप तो लगभग लगभग इसके सभी ब्रांचेस टूट गए हैं, क्योंकि संतरे का वजन ही इतना, मतलब इतनी क्वांटिटी में उसको ये आया था संतरे कि वो ज़मीन पे लग गए, वो ब्रांचेस इतना ज़्यादा टूट गए। फल की साइज़ अगर देखेंगे आप तो थोड़ी छोटी रह गई है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फल आने की वजह से वो छोटे छोटे रह गए। लेकिन बहुत ज़्यादा फल आए थे इसकी वजह से ना, उस पेड़ पे बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया है। तो ये पेड़ के तो लगभग सभी ब्रांचेस टूट गए। तो चलिए मैं अभी दूसरे पेड़ दिखाता हूँ आपको कि बाकी कुछ कुछ पेड़ पे बहुत अच्छी फसल आई। आप देख पा रहे होंगे नीचे देखिए कि कितना ज़्यादा माल गिर गया है। एक एक पेड़ का आधा आधा कैरेट माल गिर गए, देख पाओगे आप। ये बारिश की वजह से हुआ था, और मतलब ऐसा देखिए आप कैसे ये अच्छी साइज बनी है फलों की, यहाँ के पेड़ों की। चलिए और आपको दिखाते हैं अंदर जाके। ये देखिए ये ट्रैप है, इसमें हम वो कीड़े पकड़ते हैं जो कि हमारे फलों को काट लिया तो फिर वो ख़राब हो जाता है, उसके अंदर अंडे देती है। देखिए ये जो पेड़ है ये भी देखिए कैसे गिर गया है वो वजन की वजह से। चलिए अब हम आपको कुछ ऑरेंजेस जो है वो हार्वेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए ये साइज़ जो है ये सबसे बड़ी साइज़ के ऑरेंजेस यहाँ पे लगे हुए हैं। चलिए आइए तोड़ते हैं अभी इनको। अगर ऐसे साइज़ अगर ऑरेंज के रहेंगे तो उसको बहुत अच्छा भाव मिलता है, करीब 40 से लेके 50 किलो पर केजी का भाव मिलता है ये बड़े वाले संतरे का। देख पा रहे होंगे आपकी कितनी मेरे हाथ के साइज़ से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी साइज़ है इस संतरे की। देखिए अगर ये साइज़ के संतरे रहते हैं तो 40 से लेके 50 पर केजी का भाव हमें, मतलब होलसेल मार्केट में जो रहता है मंडी बाज़ार में, वो मिलता है। अगर सीधा कस्टमर को बेचेंगे तो फिर 80 रुपीज़ तक का मिल सकता है। लेकिन देखिए आप साइज़ देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में कि कितना बड़ा साइज़ है इसकी।
बस आज के लिए इतना ही किसान भाइयों। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। तो बस मिलते हैं अभी अगली वीडियो में।